हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम मैथ्स क्लास आपका बेहद स्वागत करता है। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही मेरा, क्योंकि थोड़ा तबीयत क्या बोला जाए, अलील थी, मतलब तबीयत ख़राब मेरा था, इसलिए थोड़ा आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। बट आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल, और इस चैप्टर में हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और विद इंट्रोडक्शन, यानी क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम बीच में जहाँ पे हमको इंट्रोडक्शन देना पड़े वहाँ पे इंट्रोडक्शन भी देंगे। जैसे मतलब इसके लिए कैसे क्या इंट्रो होना चाहिए वो सारा बनाते रहेंगे, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। तो सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। बोला इसमें से कौन सा जो है पॉलिनोमियल क्या है वन वेरिएबल क्या है और कौन नहीं है, और रीज़न दे दे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले जान लें व्हाट इज़ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब पॉली मतलब बहुत सारा, नोमियल मतलब होता है टर्म, यानी जिसमें बहुत सारा टर्म हो उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर एक टर्म भी हो तो उसे भी हम पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? अगर किसी के पास 100 रुपया है तो उसके पास 2 रुपया भी है, सिंपल सी बात है ना। अगर हम बोले मेरे पास 100 रुपया है तो 2 रुपया उसमें खुद ब खुद आ जाता है। पॉलिनोमियल मतलब बहुत सारा टर्म, क्या होता है बहुत सारा टर्म, मतलब सिंगल टर्म भी हुआ। अगर हम बोले 2x इज आल्सो अ पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल के मोनोमियल हो जाएगा। अगर सिर्फ सिंगल पार्ट है तो मोनोमियल होगा, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल तो बहुत सारा कुछ होगा, लेकिन हम आपसे बात करेंगे वो आप जान लें जो जो कंडीशन जान लें जिसमें पॉलिनोमियल नहीं होता है। जैसे अगर अगर आपसे हम बात करें, मेरे पास रेड बॉल है 100, रेड बॉल 100 है, वाइट मेरे पास है 200 और ब्लू बॉल मेरे पास है 3 है, और सभी को हमने मिक्स कर दिया। क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। और हमने आपसे बोला ब्लू बॉल को आप अलग कर लें, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। या तो आप सारा रेड अलग कर लेंगे, सारा वाइट अलग कर लेंगे, ब्लू खुद ब खुद अलग हो जाएगा, या आप ये करेंगे कि 3 ब्लू को आप अलग कर लें, खुद ब खुद ब्लू अलग हो गया। 2 ऑप्शन आपके पास है। या तो आप क्या करें, सारा बॉल में से रेड अलग कर लें, वाइट अलग कर लें, 3 खुद ब खुद अलग हो जाएगा, या आप डायरेक्ट 3 को निकाल लें, ब्लू अलग हो गया। तो ये 3 को डायरेक्ट निकाल लेना, इट इज़ अ स्मार्ट वर्क, वही हम करने वाले हैं। बस आपको ये देखना है, पॉलिनोमियल कंडीशन ये है कि पॉलिनोमियल सभी होगा, किस किस कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं होगा कंडीशन बताते हैं। पहली बात जो वेरिएबल होगा, तो आप लोग को मालूम है वेरिएबल कॉन्स्टेंट मालूम होना चाहिए। आप क्लास 8 में पढ़े होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वहाँ पे आपको वेरिएबल और कॉन्स्टेंट बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से आप पढ़े होंगे। अगर आप नहीं पढ़े तो हम बात इस पर कर लेते हैं। जैसे अगर बात करें हम x प्लस 5 की बात करें, तो x आपका हो गया वेरिएबल और 5 क्या हो गया आपका कॉन्स्टेंट, यानी जो भी आप देख रहे जिसका वैल्यू क्या चेंज हो सकता है, जिसका वैल्यू बदल सकता है, जिसके वैल्यू के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते इसका वैल्यू क्या हो सकता है, उसे बोलते हैं वेरिएबल बोलते हैं। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो आपका कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, जो भी आपका होता है जो अलजेब्रिक, जैसे जो भी अल्फाबेटिकल वैल्यू होता है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, ऑल आर वेरिएबल एंड न्यूमेरिकल वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 0 इज ऑल आर कॉन्स्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो हमने आपको बताया कि इसे अलग करने के 3 तरीके, या तो रेड को अलग कर ले, या वाइट को अलग कर ले तो ब्लू खुद ब खुद अलग हो जाएगा, या 3 ब्लू को अलग कर ले अलग हो जाएगा। तो आपको ये देखना वेरिएबल जो होगा, वेरिएबल यानी कुछ भी अल्फाबेटिकल वैल्यू जो होगा वो कभी भी वेरिएबल की पावर जो होगा कभी भी क्या होना चाहिए, हमेशा ये कैसा होना चाहिए, इंटीजर में। कैसा होना चाहिए? इंटीजर में। और कैसा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। मतलब क्या, इसका वैल्यू जो है जैसे मतलब मान लो कहीं पे लिखा हुआ है एक्स की पावर 2 पॉसिबल है, एक्स की पावर 3 पॉसिबल है, एक्स की पावर 0 पॉसिबल है, लेकिन अगर इंटीग्रल वैल्यू नहीं हुआ, इंटीग्रल में कैसा, इंटीजर में कैसा, इंटीजर वैल्यू कैसा इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, इंटीजर वैल्यू वैसा वैल्यू जो क्या आपका हो, पॉजिटिव हो और ज़ीरो हो, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। जैसे
एक्स की पावर ज़ीरो पॉसिबल है, ये पॉलिनोमियल हो सकता है। अगर मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है थ्री एक्स टू दी पावर ज़ीरो इज़ अ पॉलिनोमियल, यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, बट कुछ कंडीशन है जहां पॉलिनोमियल नहीं होता। मतलब क्या, अगर वेरिएबल की पावर यानी एक्स की पावर क्या आ जाए 1/2 आ जाए तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो इंटीजर नहीं है। हमको मालूम है इंटीजर कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है। क्या होता है, इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। जब इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं होता है तो इसका मतलब इसका वैल्यू जो है मतलब जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू इसका है, जो पावर है, अगर आ गया फ्रैक्शन में तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पहला बात क्या है, पहला कंडीशन याद कर लो। हमने क्या बोला, वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए, निगेटिव। वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, वेरिएबल की पावर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। पावर कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, अगर कहीं लिखा हुआ आपको मिल जाए एक्स टू एक्स की पावर माइनस थ्री प्लस फाइव एक्स, तो आप बोले इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितना आ गया माइनस थ्री, और माइनस थ्री क्या है, एक निगेटिव क्या पावर है, निगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में पावर नहीं होना चाहिए, बाकी सभी के सभी क्या होता है पॉलिनोमियल ही होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आप बोले सर हमको एक बात बता दीजिए, अगर कहीं रूट में फंस जाए इसे रूट एक्स प्लस फाइव तो कहिए पॉलिनोमियल है, तो हम बोले बिल्कुल नहीं है। तो आप बोले सर आपने रूट के बारे में बात तो नहीं किया, रूट के बारे में है या नहीं है। तो मेरे दोस्त रूट मतलब होता पावर 1/2, रूट मतलब क्या होता पावर 1/2 प्लस फाइव, तो हमने यहाँ पावर कितना आ गया, यहाँ पावर आपका आ गया फ्रैक्शन में। रूट मतलब क्या होता है, रूट मतलब होता है पावर 1/2, बस ज़्यादा नहीं। कंट्रोल अर्जुन कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा, बस दो बात याद रखना है, एक वेरिएबल की पावर कभी भी निगेटिव में नहीं होना चाहिए और वेरिएबल की पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, इसके बाद सभी के सभी होगा आपका पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं, बहुत बोल दिए, बहुत भाषण हो गया सर, भाषणबाजी मत दो, पढ़ाओ बहुत हो गया, समझाओ, मैथ तो प्रैक्टिस से आती है। चलिए तो इसीलिए हम क्वेश्चन बताते रहेंगे और बीच में जो है डिस्कस भी करते रहेंगे हम लोग, और हम लोग इसका इंट्रो क्लास भी करते रहेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन विद सॉल्यूशन, बिल्कुल बेहतरीन अंदाज से क्वेश्चन लिखते, इसलिए आपको एक मिनट पॉज करेंगे प्लीज़। क्वेश्चन 1 और 2 को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 4x² - 3x + 7 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। तो पहला चेक करते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है वो पॉलिनोमियल है या भाई नहीं है। तो देखते हैं, हमको कॉन्स्टेंट से कोई मतलब नहीं, ये जो बगल में कॉन्स्टेंट खड़ा है ना इससे हमें कोई मतलब, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ये कॉन्स्टेंट, इससे कोई मतलब हमको नहीं, ये हमें कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, हमें कोई टेंशन में डाल सकते, उसका नाम है वेरिएबल, यानी एक्स वाई जेड टी पी टी जो भी हो, ठीक है। तो हमको देखना है वेरिएबल, क्या वेरिएबल की पावर ठीक ठाक है क्या। तो हम देखें यहाँ पे वेरिएबल की पावर, एक मिनट रुक जाए, तो हमें ये देखना, तो पानी वाला थोड़ा आ जाता, डिस्टर्बिंग हो जाता, चलो कोई बात नहीं। तो हमको ये देखना वेरिएबल जो है इसका पावर क्या ठीक ठाक है, वेरिएबल की पावर क्या है इंटीजर में, बिल्कुल इंटीजर में, यहाँ भी 2 है और यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, इसका मतलब बस पावर पे ध्यान देना है, पावर कभी भी निगेटिव में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। उसके बाद मिंदा बस दो बात याद रखना है कि वेरिएबल की पावर मतलब कभी भी निगेटिव में नहीं होना चाहिए और वेरिएबल की पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो यू आर विनर और आप बोल सकती इट इज़ अ पॉलिनोमियल। और उन्होंने आगे बोला है पॉलिनोमियल, यस हाँ है भाई साहब, ये भी है, बिल्कुल है, इन वन वेरिएबल, क्या इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, क्या पूरे टर्म जो है इसमें सिर्फ एक्स यूज हुआ, बिल्कुल एक्स यूज हुआ, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, इसे बोलते हैं वन वेरिएबल, क्या बोलते थे हम वन वेरिएबल। वही अगर होता ऐसा 5x² + 2y तो हम बोलते हैं पॉलिनोमियल तो है, लेकिन क्या है
टू वेरिएबल। क्या है? टू वेरिएबल। क्यों टू वेरिएबल है? क्योंकि यहाँ x भी यूज हुआ है और y भी यूज हुआ है, तो यू कैन से दैट इट इज़ द पॉलीनोमियल ऑफ टू वेरिएबल, बट हियर द पॉलीनोमियल ऑफ ओनली वन वेरिएबल। कोई दिक्कत मेरे दोस्त, मेरे भाई, आ जाओ। तो इट इज़ अ पॉलीनोमियल, यस, वन वेरिएबल, यस, एंड विच आर नोट, बिल्कुल है ये। बोले इट इज़ अ, पहला इट इज़ अ पॉलीनोमियल, है ना, इट इज़ पॉलीनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। चलो बिल्कुल है, सही जवाब है ये, बिल्कुल सही जवाब। अब नंबर दो चेक करते हैं, नंबर दो चेक करते हैं, ये पॉलीनोमियल है वाई स्क्वायर, रूट के अंदर फंस गया टू। अरे हमें वेरिएबल से मतलब है, कॉन्स्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें वेरिएबल को देखना, मेरे वेरिएबल सुरक्षित है क्या? बिल्कुल, वेरिएबल की पावर टू है, मस्त पावर है, टू पावर है, और रूट टू के अंदर कौन फंसा हुआ है? कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट भाई से हमें कोई मतलब नहीं। तो बोल रहे इट इज़ अ वेरिए, इट इज़ अ पॉलीनोमियल, ये पॉलीनोमियल तो है और ये वन वेरिएबल भी है, पॉलीनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। क्या ये पॉलीनोमियल भी है और कितना है? वन वेरिएबल। क्यों वन वेरिएबल है? क्योंकि यहाँ पूरे सिर्फ ओनली वाई ही यूज हुआ है, सिर्फ ओनली वाई यूज हुआ, वाई के सिवा कुछ भी नहीं है। तो हम बोल सकते हैं दो क्वेश्चन मेरा हाँ बन गया। क्वेश्चन नंबर थ्री को थोड़ा गौर करते हैं, इन्हों ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, रूट अंडर, पहले थ्री है, अंदर फंस गया टी, प्लस टी रूट टू। तो हम क्या देख रहे हैं? रूट के अंदर फंस गया, मेरा प्यारा सा वेरिएबल फंस गया, ये दुख की बात है, ये दुख का पल है। वेरिएबल रूट के अंदर नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि रूट मतलब क्या होता है? पावर वन बाई टू, वन बाई टू इज़ अ फ्रैक्शन, जबकि हमको मालूम है पावर हमेशा इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर कैसा? इंटीजर जीरो और पॉजिटिव। तो हमने क्या देखा, यहाँ क्या फंस गया? रूट के अंदर फंस गया, रूट के अंदर फंस गया, इसका मतलब रूट से बाहर हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर वह टी स्क्वायर होता है तो टी बाहर हो जाता, लेकिन यहाँ टी बाहर नहीं होगा, इसलिए इट इज नॉट पॉलीनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलीनोमियल, ये पॉलीनोमियल है नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरा प्यारा सा नन्हा सा वेरिएबल इसके अंदर फंस गया है, रूट के चक्कर में आ गया। रूट के चक्कर में भाई साहब पड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। रूट जो क्या करता है, अंदर में जकर लिया, टी क्या किया, टी टी हो गए, टी टी आकर आ गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फोर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या भाई साहब? क्वेश्चन नंबर फोर आपका है वाई प्लस टू बाई वाई, टू बाई वाई है, ये क्या चक्कर है? अब आपको एक बात याद करना पड़ेगा, क्लास एट का एक्सपोनेंट आ जाएगा यहाँ पे। एक्सपोनेंट बोलेगा भाई साहब मुझे भूल के तुम कहाँ जा रहे हो, अगर तुम मुझे भूल गए हो तो मुझे याद कर लो, क्योंकि अगर हम तुम्हारे अंदर नहीं रहेंगे तुम बर्बाद हो जाएगा। एक्सपोनेंट जो है एक बेहतरीन चैप्टर क्लास एट का है और वो आपको अच्छा से आनी चाहिए। अगर क्योंकि क्लास नाइन्थ में आगे है एक्सपोनेंट, वो भी थोड़ा समझाएंगे, लेकिन अगर नहीं आता है तो एक्सपोनेंट की चैप्टर अपलोडेड है, आप वहाँ जाकर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, आपको मालूम होगा वन बाय एक्स अगर होगा, वन बाय एक्स होगा, जब एक्स ऊपर होगा तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस एस, माइनस वन। मतलब क्या? वन बाय एक्स की पावर कितना हो गया? वन। वन तक तो पावर को फर्क नहीं पड़ता है, जब इसे उलटते पावर क्या होता है? निगेटिव हो जाता है। तो एक्स बाय वन पावर कितना? माइनस वन। ठीक है, यानी वन बाय ए को अगर हम ए लिखेंगे तो क्या आएगा? ए की पावर माइनस वन। तो यहाँ पे इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या हुआ? वाई प्लस टू वाई की पावर माइनस वन। अब माइनस पावर आ गया मतलब ये हो गया खतरा, मेरा वेरिएबल जो है ट्रैप में फंस गया है, जो नेगेटिव का ट्रैप है, इसे नहीं फंसना चाहिए। इन्होंने फंसा लिया अपने आप को, तो हम बोलेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलीनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ पॉलीनोमियल इज माइनस, इट इज़ नॉट पॉलीनोमियल, इट इज़ नॉट पॉलीनोमियल बिकॉज
पावर ऑफ y इज माइनस वन, सो निगेटिव पावर क्या हो गई ये? निगेटिव पावर, माइनस वन पावर क्या है? निगेटिव पावर है, और निगेटिव पावर का अलाव है नहीं, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो क्या एक और है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट और लीस्ट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 5। ये बोलना भाई साहब, x टू दी पावर टेन प्लस y टू दी पावर 3 प्लस t टू दी पावर 50, सही हम देख पा रहे हैं? t टू दी पावर 50, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? वेरिएबल को गौर से देखो, ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, क्या वेरिएबल सुरक्षित है? क्या x की पावर 10 ठीक है, इंटीजर है, पॉजिटिव में ठीक है, y भी ठीक है, t भी 3 है, मतलब पावर हम देखें, पावर ना ही निगेटिव में है और ना ही फ्रैक्शन में है, मतलब खुशी होने का पल है, मतलब इट इज़ अ पॉलिनोमियल, यस एब्सोल्युटली इट इज़ अ पॉलिनोमियल, बट नॉट वन वेरिएबल, ये एक वेरिएबल में नहीं है, द पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल x, y एंड t। यहाँ पे मेरे दोस्त 3 वेरिएबल यूज हो चुका है, x एक x है, एक y है और एक t है, तो बोले इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ऑफ 3 वेरिएबल, कितना है ये, क्या है इसमें 3 वेरिएबल क्या है इसमें, इन्होंने तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, ये वन वेरिएबल नहीं है, इट इज नॉट, इट इज पॉलिनोमियल बट इट इज नॉट वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल के नहीं है, और इन्होंने हमको बताया आपको ढूंढना है वन वेरिएबल, जबकि यहाँ पे मेरे पास आ गए 3 वेरिएबल x, y और t। क्या मेरे प्यारे से दोस्त को समझ में आ रहा है, मेरे भाई को समझ में आ रहा है, क्या कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए यस, चलिए तो अगला क्वेश्चन है, राइट द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोफिशियंट, क्या मीनिंग होता है कोफिशियंट का, सारा बात होगा, क्वेश्चन भी होगा, बात भी होगा और इंट्रोडक्शन भी होगा। कोफिशियंट क्या होता, सिंपल सी बात है, अगर हम लिखते हैं 5x लिखते हैं, वेरिएबल जिससे मल्टीप्लाई हो रखा है दैट इज कॉल्ड कोफिशियंट। वेरिएबल जिस कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हो रखा है इट इज कॉल्ड अ कोफिशियंट। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात नहीं है, मतलब क्या अगर हमें बोला जाए कि फाइंड द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज कॉल्ड 3, एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रखा है 3 से, तो 3 कोफिशियंट हो गया। अगर कोई हमसे बोले फाइंड द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कुछ तो नहीं है लेकिन 1 है, 1 क्या होता है, 1 इज द कोफिशियंट ऑफ एवरी नंबर, क्योंकि अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें कोई फर्क नहीं पर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, तो 1 इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर किसी कोफिशियंट आगे में कुछ नहीं हो, मतलब वहाँ पे क्या छुपा हुआ है, 1 वहाँ पे हिडन है, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच द फॉलोइंग, अच्छा एक्स स्क्वायर सब निकालना है, राइट द कोफिशियंट, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणांक, क्या बोलते हैं गुणांक, कोफिशियंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक, ठीक है, राइट द कोफिशियंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग,
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, सभी में हमको बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होगा। पहला क्वेश्चन मेरे पास है, प्यारा सा क्वेश्चन, नन्हा सा क्वेश्चन मेरे पास है, 2 + x² + x, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होगा, क्या एक्स स्क्वायर किसी से मल्टीप्लाई हो रखा है क्या, कुछ तो हमको दिख नहीं रहा है। और हम आपको बता दिए जहाँ आपको कुछ नहीं दिखे, जान लो वहाँ पे क्या वन छुपा हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 मत मान लें मेरे दोस्त, 2 + है, 2 क्या है प्लस है। हमने क्या बोला, वेरिएबल जिससे मल्टीप्लाई हो रखा है, वेरिएबल जिस कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हो रखा है, जिससे मल्टीप्लाई हो रखा है। तो हाँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना होगा, यहाँ आप लिखेंगे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, कितना हो गया 1। दूसरा क्वेश्चन है 2 - x² + x³, 2 - x² + x³। तो आप हमको बताइए कि यहाँ जो है एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रखा है, यहाँ एक्स स्क्वायर का आपको माइनस दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे माइनस दिख रहा है। तो माइनस मतलब क्या, हम माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं -1 × x², यानी एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रखा है -1 से। तो यहाँ पे कोफिशियंट कितना होगा, कोफिशियंट ऑफ x² = -1, क्या यहाँ तक तो कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, कैसे मिटाना पड़ेगा, इसे मिटाना पड़ेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाई बाय टू x² + x। अब बताओ यहाँ पे कोफिशियंट एक्स स्क्वायर का, आप देख के बोले सर पाई बाय टू होगा, पाई बाय टू वो जालिम है जो इससे मल्टीप्लाई हो रखा है, तो पाई बाय टू इज अ कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या आप लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे आप, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, यू कैन डू, आप कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज √2 - -1। भाई साहब एक्स स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो कोफिशियंट क्या आएगा भाई, सही बात है, जो मेरे यहाँ काम नहीं करे उसे पैसा क्यों दे भाई, हम तो उतना बड़ा दानी है नहीं जो किसी को पैसा बांटते चलेंगे, तो जो मेरे यहाँ काम नहीं करे मेरे यहाँ पैसा क्यों, क्योंकि हाँ द एब्सेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हियर इज नॉट एनी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोफिशियंट भी नहीं होगा। तो बोलेंगे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, क्या हो गया 0 इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट, कोई दिक्कत परेशानी। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ख़त्म हो चुका है, तो अगली क्लास में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 से, तब तक के लिए बने रहें नए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मन लगा करें मेरे दोस्त, एजुकेशन आपका एक ऐसा पावर है जो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है मेरे दोस्त, अब यू कैन नॉट इमेजिन, आप इमेजिन नहीं कर सकते। अभी आपके अम्मी अबू बोल रहे हैं बेटा पढ़ लो, नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको वो दिन ज़रूर याद आएगा, अगर अम्मी अबू को बात मान कर अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर एक ऐसा आपका सिचुएशन लाइफ में जो आप इन्जॉय करेंगे, फिर किसी के मोहताज आप नहीं रहेंगे। अभी आपका एजुकेशन समय मन लगा कर पढ़ें और हुम्मच के पढ़ें, पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं, खेलना है, इन्जॉय करना है, थोड़ा मोबाइल भी देखना है, लेकिन पढ़ाई को नंबर टॉप पे, ठीक है। हाँ, अगर आप प्लेयर बनना चाहते हैं, आपका कोई हॉबी है कि आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, फुटबॉलर बनना चाहते, तो अलग बात, तब तो नंबर 1 पे उसे रखिए, जो ड्रीम है उसे नंबर 1 पे रखिए, एजुकेशन इज़ द बेस्ट, एजुकेशन आपका होना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या आगे बढ़ा जाए, फिर मिलता है अगली क्लास में नया एनर्जी के साथ, नया जुनून के साथ, तब तक के लिए बने रहिए वेलकम मैथ्स क्लास के साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।